सो आज मैंने कुछ अलग काम किया है जो कि मैंने अपना बहुत दिनों से दिमाग लगा रही थी इसका क्या किया जाए, तो वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। हो सकता है कि आप सबको इसके बारे में जान के आप सब भी हेल्प हो। मैंने ये तरीका निकाला है कि जो हमारे शटर विंडो होते हैं हर एक घर पे होते हैं ऑलमोस्ट अभी के, उस विंडो के जो लाइंस होते हैं उसमें मैल जम जाते हैं डस्ट की वजह से। पर हाँ, आप बिना वैक्यूम क्लीनर के उसको कैसे साफ कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। अल्टीमेट डस्ट पॉल्यूशन आपको छुटकारा मिल सकता है जो कि मैंने निकाला है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी आपको। एनीवेज, हेलो गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूं ज़ेनी पाल एंड माय डियर फैमिली मेंबर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है कि बिना वैक्यूम क्लीनर के आप अपने घर के डस्ट को कैसे साफ कर सकते हैं। जी हाँ, ये सुन के बहुत ईजी लग रहा होगा कि हाँ, घर का साफ सफाई तो ऐसे ही हो जाते हैं, घर की मम्मियाँ जो कि वही कर लेती होंगी। पर मैं एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारे शटर विंडो होते हैं जैसे कि मेरे घर पे इस खिड़की में, तो वो अभी पर्दा दिया हुआ है तो मैं आपको बाद में बताऊँगी, जो कि शटर विंडो होते हैं उसमें लाइंस होते हैं, उस लाइन के बीच में अगर मैल जम जाए तो उसको ना तो उंगली जाती है उसके अंदर, ना ही हम मैल निकाल सकते हैं, तो बहुत तकलीफ होती है मैल निकालना। पर हम कैसे निकाल सकते हैं बिना वैक्यूम क्लीनर के, कैसे हम उसको साफ रख सकते हैं, और ये टेक्निक अप्लाई करेंगे कि कैसे उसमें कभी मैल ही ना जमे और कभी वो गंदा ही ना हो। सो गाइज, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, जल्दी से देख लीजिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइज, अभी जो खिड़की का हाल है कुछ ऐसा है, मेरे घर के बाहर ही हाईवे है तो हाईवे से डायरेक्टली जो है धूल आती है, एंड धूल आने की वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारा धूल जमता है रोज के रोज। ये काफी दिनों से जमा हुआ था क्योंकि मैं वडोदरा में थी एंड वडोदरा में रहते कारण ये रूम को यूज नहीं कर रहा था, तो जिस वजह से साफ सफाई भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मम्मी पूरे घर का अकेले कर नहीं पाती। सो गाइज, व्हाटएवर, आपको मैं यही सिखाऊंगी आज कि बिना वैक्यूम क्लीनर के खिड़की को कैसे आप क्लीन कर सकते हो। ये मेरे रूम से वेस्ट साइड विंडो है एंड ये इस साइड विंडो है, जैसे कि उस साइड के खिड़की में था और इस साइड के खिड़की में भी सेम प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पे भी मैं किस तरीके से कर रही हूँ, आखिर बिना वैक्यूम क्लीनर के खिड़की को क्लीन किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी मैल जमा हुआ है खिड़की में, अगर आपको मैं जूम क्लोज से दिखाऊँ कि ये सारा इतना गंदा होकर पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्लाइडर है खिड़की का, ये स्लाइडर कुछ इस तरीके से बंद हो गया है इस तरीके से, तो ये जो स्लाइडर है इसके नीचे दब जाता है और ठीक ये स्लाइडर जो है उठ के है, थोड़ा ऊपर आ गया है ऐसे, तो ये ठीक से स्लाइड भी नहीं हो पाता है। सो मैं आपको इस दिखाऊंगी कैसे इसको साफ करते हैं। तो गाइस, इसको क्लीन करने के लिए आपको चाहिए एक ऐसा एक पेपर जो कि मेरे पास ये पड़ा है, ग्लॉसी पेपर जिसमें चिपके क्लीन हो, और एक ऐसा पेंसिल चाहिए। तो आपको क्या करना है, जो सारी गंदगी है यहाँ से, ये वाला जो गंदगी है, ये जो ऊपर का गंदगी है, ऊपर का गंदगी आपको गाइस आप ऐसे नॉर्मली पूरा पत्तों से अगर साफ करेंगे तो साफ हो जाएगा, पर यहाँ का जो गंदगी आपको इस तरीके से पटाख से ऐसे पेस्ट में ऐसे ऐसे बन जाएगा। अगर हो सके तो इसका बैक साइड यूज़ कीजिए पेंसिल या पेन का, और सबसे अच्छा होगा पेंसिल, क्योंकि पेन का जो है वो बोल निकल जाता है तो फिर इंक निकल आती है आपके हाथों में। तो ये पेंसिल लेंगे ऐसे, तो आपको कुछ इस तरीके से सारे गंदगी ऐसे खींच के एक जगह कर लीजिए पहले, जिस साइड से आप साफ कर रखना चाहते हैं इसको। साफ करने के बाद आपको इसको जो है कुछ सही से सही एकदम नीचे से नोकीले तर में आपको दिखाती हूँ अच्छे से ऐसे रख के, फिर ऐसे करके और इस साइड से उल्टे साइड से इस पेंसिल को ऐसे ऐसे करना है। आपका हाँ वैक्यूम क्लीनर जैसा साफ गाड़ी में देखिए, पर आप वैक्यूम क्लीनर से अगर आप 100% साफ हो जाता है तो आपका 60-70% साफ हो जाएगा। अच्छा है कि कुछ अगर नहीं है, कुछ खर्चा नहीं कर सकते फिलहाल में, तो आप ऐसे इसको यूज करिए, देखिए कितना जल्दी साफ हो चुका है। हमने आपको दिखाते इसको किस तरीके से अंदर डालना है। गाइस, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर पेंसिल से भी काम ना चले तो आप एक ऐसा पेपर लेके इसको ऐसे मोड़ के ऐसे इस तरीके से छोटा सा फोल्ड करके उसके अंदर ऐसे पेंसिल डाल के कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, तो पेंसिल से जो नहीं मैल निकलेगा इससे निकल जाएगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, ये काम भी कर रही हूँ, काफ़ी मैल ऐसे निकल रहा है। बीच में अगर आपका ये खराब हो जाए, क्योंकि आप जब इसको ऐसे ऐसे धकेल रहे हैं मैल को, तो ये जो कोना है ये खराब हो जा रहा है,
तो आप दूसरा साइड यूज कर लीजिए, या तो इसको इस साइड में ऐसे फोल्ड कर लीजिए, या तो इसको चेंज ही कर लीजिए अगर आपके पास इसको अवेलेबल रखिए, क्योंकि एक से इतना सारा मैल नहीं निकलता है। अगर अच्छे से क्लीन करना हो, क्योंकि ये भी पेपर ही है तो ये बेंड हो जाता है, तो ये भी चेंज कर लीजिएगा ज़रूरत पड़े तो। गाइज आप अगर जल्दी जल्दबाजी में करना चाहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो आप एक कर सकते हैं कि एक एक करके ना रख के इसको पूरा एक साइड कर लीजिए पहले मैल को, और इसको जो है अच्छे से शेप दे के इसको इसके अंदर डाल दीजिए कुछ इस तरीके से। शायद आपको दिख रहा होगा ये कुछ इस तरीके से अच्छे से इसको अंदर डाल दीजिए चारों लाइन में। यूजुअली चारों लाइन का ही होता है, दो शटर का होता है तो चार लाइन होता है, अगर तीन शटर का होता है तो छह लाइन होता है। तो यहाँ पे चार लाइन है, ये मेरा ये वाला खिड़की दो शटर का है, दूसरा वाला खिड़की जो है वो तीन शटर का है। तो इसको अभी ये पूरा ऐसे ऐसे आप घिसोगे तो इस तरीके से, अगर इसको मैल निकालने की कोशिश करेंगे आप गाइस तो ये निकल आएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये मैल जो है निकल रहा है यहाँ। तो गाइस ये जो मैल है जितना निकालना था मैंने निकाल लिया। आगे आपको क्या करना है, एक छोटा सा मेरे पास बाल्टी, अगर आपके पास बाल्टी हो या फिर थोड़ा मग हो तो मग में थोड़ा सा कपड़ा लेके ऐसे छोटा सा कपड़ा लेना। मेरा ये कपड़ा जो थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको मैं ऐसे कर लूँगी। अगर तो कोई भी कपड़ा मम्मी का पुराना ब्लाउज वगैरह कुछ भी हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे करना है। जैसे कि मैंने कहा था, देखिए कितना साफ़ हो गया पहले गाइस, ये देखिए ये कितना गंदा था और ये कितना ज़्यादा साफ़ हो गया। जी हाँ ये साफ़ तो हुआ है, पर इसको एकदम प्रॉपर साफ़ करना है। तो इसके लिए मुझे ये जो गीला कपड़ा है, गीला कपड़ा चाहिए, और ये भी गंदा है, मैंने कहा था कि ये तो हम उस तरीके से झाड़ नहीं सकते, तो इसको भी इस तरीके से पोंछ लेना है। देखिए जैसे आप पोंछेंगे इसको तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लगेगा। तो कुछ इसी तरीके से ये जो नीचे का मैल है, ये नीचे का मैल भी इसमें निकाल लेने हैं गीला कपड़ा करके। अगर उंगली आपका नहीं जा रहा है तो आप ये पेंसिल का ही यूज़ कीजिए, पेंसिल का यूज़ करके इस तरीके से आप इसको साफ़ कर लीजिए अगर आपको ज़रूरत पड़े। इतना तो होपफुल मेरे जो व्यूअर्स हैं इतना तो आपके पास खुद से भी आइडिया होगा कि हाँ आप किस तरीके से अगर उंगली नहीं जा रहा है तो क्या यूज़ किया जाए। ऑल डन गाइस, ये कुछ बहुत ज्यादा गंदा नहीं था, पर इसको साफ कर ले अभी पूरा का पूरा क्लीन है। अगर आपको मैं हाथ से दिखाऊं कि अगर इसके अंदर उंगली डालते तो मैल है कि नहीं, तो देख सकते हो बिल्कुल भी मैल नहीं। एंड नीचे का जो है गाइस, मैं आप सबको एक आइडिया दे देती हूँ, जो कि है ये जो है मेरे ऊपर, जैसे कि ऊपर मैल नहीं टिकता है, ये साइड में भी मैल नहीं रहता है, पर हाँ ऊपर का जितना भी मैल होता है ये सारा ये नीचे आके जमा होता है, और नीचे दो दो करके लाइन है जिसकी वजह से ये लाइन आके डिवाइड हो जा रहा है, और ये मैल साफ़ करना भी थोड़ा दिक्कत होता जा रहा है। तो क्या करना है गाइस, इसको बहुत साफ सफाई से करना है, और अगर ये भी ना हो रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे पानी डाल लेना है। इससे क्या होगा, पानी अंदर भी आ जाएगा और बाहर भी। अगर आपका पेंट है ऑलरेडी तो आपको इसके लिए यहाँ पे पहले से एक सूखा कपड़ा रख देने होंगे। ये जो है मेरा गीला कपड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कपड़ा है इसको थोड़ा से पुश कर देने होंगे अंदर ताकि बाहर की तरफ ना आए। पानी आप डालेंगे इसके अंदर तो ये अच्छे से पानी इसी में ऑब्जर्व हो जाएगा। मैं अगर आप बोलेंगे कि आप गीले कपड़े से क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये जो मेरा पेंट हुआ है ये एक कोट हुआ है, तो इसको मुझे दोबारा पेंट करना है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास गीला कपड़ा था और मैं गीला कपड़े से ही इसको यूज़ कर लेती हूँ। और आपको क्या करना है, हल्के हाथों से इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है। ये देखिए पानी अगर आप डालेंगे तो ये पानी निकल जाएगा, और मैं इसलिए डालूँ ताकि पूरे तरीके से ये साफ़ हो जाए। अगर जितना हो रहा है बिना वैक्यूम क्लीनर के यही बहुत है गाइस, ज़रूरत नहीं है कि आप पानी डाल के कलर जो है उसको गंदा किया जाए। तो ये जो है ये पानी, ये मैल पूरा खुल गया है यहाँ पर। तो पानी के लिए आपको क्या करना होगा, सूखा कपड़ा यहाँ पे डालेंगे तो वो ऑब्जर्व हो जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट साफ हो चुका है, यानी ये जो पानी था नीचे का थोड़ा निकल नहीं रहा था, एकदम ही हल्का सा पानी था। इधर ही देखिए ये हिला, इस हल्का हल्का पानी है। तो इसको क्या करना है, सूखे कपड़ा से आपको, अगर आपके पास सूखा कपड़ा या कोई कपड़ा हो पुराना जो पहनते नहीं, उसको फाड़ के इस तरीके से पतला सा करके इसका जो पानी है पूरा ऑब्जर्व कर लीजिए, तो इसके अंदर पानी भी नहीं रहेगा, पानी के साथ साथ जितना मैल था वो भी नहीं रहेगा। मैं आपको इतना गारंटी दे सकती हूँ कि वैक्यूम क्लीनर से अगर आपका 100% क्लीन होता है तो ये आपका 80 to 90% तक क्लीन कर ही देता है। थोड़ा बहुत रह जाता है
क्योंकि अगर वो भी अगर आप बहुत टाइम से करेंगे तो हो सकता है वो भी आपका मैल निकल जाए। एंड आप सबको मैं एक और टिप्स देना चाहूँगी गाइस, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं पर मैं वो ज़रूर करूँगी। एक आता है फॉइल पेपर, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं बस आपको दिखाने के लिए काम कर रही हूँ। एक आता है फॉइल पेपर जो सिल्वर कलर का होता है, सिल्वर पेपर भी बोलते हैं बहुत लोग, खाना पैकिंग होता है उससे। कोई भी आप बुक्स की दुकान में जाके पूछेंगे फॉइल पेपर, या तो मार्ट सुपर मार्ट में पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे। फॉइल पेपर को आपको सेम वे में यहाँ पे रखना है एंड इस तरीके से आपको उसको अंदर, और फॉइल पेपर जो होता है वो बहुत स्किनी होता है, मतलब कि आप एक बार इसको डालेंगे अंदर तो वो ऐसे ही आपका चिपके रहेगा। पर हम उसको थोड़ा अच्छे से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, मैं सॉरी माफ़ी चाहती हूँ गाइस, पर उसको अगर अच्छे से आप उसको अंदर सेट करके डाल देंगे इस तरीके से, लाइक जिस तरीके से आपने साफ किया इस तरीके से अगर अच्छे से शेप करके कटिंग करके आप डाल देंगे इतना सा माप लेके कट करके कैंची से, तो अगर आप इसका ये जो शटर है अगर आप बंद भी करना चाहते हैं तो ये बंद रहेगा, नीचे इसका फॉइल पेपर जो है फॉइल पेपर रहेगा और आपको ये आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फॉइल पेपर नहीं है जिसकी वजह से अटक जा रहा है, पर हाँ ये ज़रूर आइडिया मेरा काम करेगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। तो इसको आप ऐसे इस तरीके से यूज़ कर लेना अच्छे से दरवाज़ा खोलने और खोलने के लिए ना, तब थोड़ा ध्यान से, और ये छोटा सा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, आप आधा आधा कर लेना। तो एक बार क्या होगा इसके अंदर डाल देना फॉइल पेपर, तो वो अगर इधर उधर भी करेंगे पेपर तो नहीं होगा पूरा लंबा, एकदम उसको प्लेन करके बेंड करना होगा आपको थोड़ा। तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया है कितना ज़्यादा गंदा होके पड़ा था और मैंने किस तरीके से साफ़ किया इसको। ये अगर आप बोलेंगे कि अभी भी मैल है, तो मैंने आपको कहा कि गाइज इधर उंगली भी नहीं पहुँच रही, आप थोड़ा टाइम देके करेंगे तो मैं इसको एक और बार साफ़ करने वाली हूँ। और ठीक इसी तरीके से ये जो खिड़की है इसको इस साइड करके इस साइड का भी मैं साफ़ करने वाली हूँ। अब आपको कंपेरिजन करके मैं दिखाऊँ तो आपको समझ आ जाएगा कि ये एक साइड है और दूसरा साइड जो मैंने साफ़ किया ये है। तो गाइस कितना कंपेयर करके कितना डिफरेंट है आप देख सकते हो, ये और ये। और गाइस ये मेरा दूसरा खिड़की है जो कि वेस्ट साइड है, मैंने आपको बताया था वेस्ट साइड जो है तीनों शटर है यहाँ पे, एक एंड बीच में दो एंड तीन, ये तीन शटर है। एंड ये इसको भी मैं इसी तरीके से साफ करने वाली हूँ, आगे जाके मैं आपको बताती हूँ फुल एंड फाइनल काम कैसा होता है। तो गाइज ये जो खिड़की है ये इसको मुझे साफ़ करने में ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा, मैंने 11 बजे से शुरू किया था और अभी हो रहा है 12:50, तो कि ऑलमोस्ट 2 घंटा लगा। ये दो शटर वाला विंडो है, जो दूसरा विंडो बाकी है गाइज वो 3 शटर वाला है क्या पता मुझे 3 घंटा लग जाए, तो ये मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। मैं आपको पूरा एस्टिमेट बताती हूँ कि कितना टाइम मुझे लगा। सो बात ये है कि मैं अपने घर का पूरा मेकओवर करने वाली हूँ और उसका ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है गाइस, सो बी रेडी। एंड अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेकओवर मैं खुद से हाथों से करने वाली हूँ, कलर से शुरू करके डेकोरेटिव सामान कुछ खरीदना, कुछ अपने हाथों से DIY बनाना, ये सब कुछ मैं खुद ही करने वाली हूँ। सो गाइस अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गर्ल्स एंड बॉयज डू सब्सक्राइब माई चैनल इमीडिएटली, क्योंकि आगे जाके जो भी ब्लॉग आने वाला है आप लोग मिस करने वाले हो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ये दिखाना था कि कितना कैसे हम इसको बिना वैक्यूम क्लीनर के क्लीन कर सकते हैं, छोटा सा वीडियो था आप जल्दी से देख लिए, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। सो गाइस वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव फ्रॉम कोलकाता, बाय। Baby now, let me warm you up. Baby please, let me love you much.